अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ख्वाबों की ताबीर। यहाँ पर आपको बहुत ही मुस्तनद ताबीरें देखने का मौका मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ख्वाब में खून निकलना। हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि खून बग़ैर ज़ख़म के इसके जिस्म से निकला है तो दलील है कि इसको नुकसान पहुँचेगा, और अगर अपने जिस्म पर ज़ख़म पाए तो नुकसान माल और गमो अंदों की दलील है, और अगर देखे कि इसको तलवार से मारा है और खून जारी हुआ है तो दलील है कि इसका नुकसान लंबा होगा और वो इस पर सवाब पाएगा, और अगर देखे कि ज़ख़म के खून से इसका कपड़ा आलूदा हो गया है तो दलील है कि हराम कमाल हासिल करेगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में कोई देखे कि खून पीता है तो दलील है कि माले हराम हासिल करेगा या नाहक खून करेगा, और अगर देखे कि इसके जिस्म में सुराख है और इसमें से खून या पीप जारी है और इसके कपड़े को आलूदा कर दिया है तो दलील है कि इसी कदर माल हासिल करेगा, और अगर कोई देखे कि इसके दांतों की जड़ों से खून निकला है तो दलील है कि अपने अहले बैत से गमो अंदो खाएगा। अगर कोई देखे कि शहर के गली कूचों में खून बह रहा है तो दलील है कि बहुत सी खून रेजी वकू में आएगी। हज़रत दानियार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसकी नाक से बहुत सा खून निकला है तो हराम माल पाने की दलील।